सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो अपना ब्लाउज होता है स्टिच करने के बाद उस पर आप प्रोफेशनल स्टाइल से आयरन यानी कि प्रेस कैसे कर सकते हैं, या अपने घर पे जो ब्लाउज होते हैं धोने के बाद उन पे प्रेस कैसे करें तो जो ब्लाउज का लुक है अच्छे से आए, अच्छे से प्रेस हो, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और छोटी छोटी टिप्स होने वाली हैं यहाँ पर जो अन्य ब्लाउज हैं वर्क में, वेलवेट में या शिफॉन में जो बारीक कपड़े में होते हैं तो उन पे भी आप आयरन किस हिसाब से करें, तो जानकारी मैंने छोटे छोटे शब्दों में देने की कोशिश की है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिलाई से संबंधित ईजीली जानकारी लेकर आता हूँ आसान भाषा में, तो देखते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लाउज है आयरन करने वाले हैं उसको देख लें कि आपका जो मटेरियल है किस टाइप का ब्लाउज है, सिल्क में है या वेलवेट में है या वर्क में है, तो उसके अनुसार ही आपको जो है आयरन गर्म करनी पड़ेगी। नॉर्मली थोड़ी तेज या उसके अनुसार ही आपको गर्म करनी पड़ेगी। अगर बारीक कपड़ा तो नॉर्मली गर्म करनी पड़ेगी, या कॉटन में है तो थोड़ी हल्की सी ज़्यादा, तो उसको गर्म करने से साथ ही एक दफ़ा आप हल्के से साइड में कॉर्नर पर गर्म करके आयरन को प्रेस करके चेक कर लें कि आपका जो कपड़ा है पकड़ तो नहीं रही है। अगर साइड में यहाँ से चेक करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा पता पड़ जाएगा कि आपकी आयरन जो कितनी गर्म है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद चलेंगे कि आप जो नया ब्लाउज बना रहे हैं उस पर आयरन कर रहे हैं तो उस पर पानी का इस तरह से एक दफ़े पानी लगा लें, या पानी जो कपड़ा लेके आप कपड़े से भी डुबो कर उसमें इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा फुहारा न हो तो। फिर सबसे पहले चलेंगे आयरन करने के लिए यहाँ पर, तो सबसे पहले तो नीचे की जो पट्टी होती है यहाँ पर प्रेस करेंगे। ये आप कोई सा भी ब्लाउज ले लो, अगर आपका धोकर पहन रहे हैं तो भी आपका जो प्रेस करने का तरीका होगा वो इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से है। इसमें जो आगे मैं बताने वाला हूँ टिप्स वो शायद आपको पहले पता नहीं होंगी, तो इस तरह से सबसे पहले तो ये प्रेस को गर्म करके गले की पट्टी और बैक की पट्टी इन पे आयरन कर लेते हैं। तो ये देखिए, और अब अंदर की तो आयरन हो गई। अब इसके बाद में चलेंगे आस्तीन के ऊपर, तो आस्तीन का कपड़ा पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से आस्तीन के ऊपर प्रेस करेंगे, जो बाजू है उसके ऊपर प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ से एक एक दफ़ा कर लें और दबाव आस्तीन की तरफ ही रखें और इसको इस तरह से, तो ये दोनों तरफ की आस्तीन हो जाएगी। प्रेस का विशेष ध्यान रखें, ऑटोमेटिक प्रेस है आपके पास है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और इसको अब इसकी जो आई हैं हुक जो लगी हुई हैं उनको बंद कर लें, कुछ एक जो एक हैं दो पूरी न बंद करके कुछ एक बंद कर लें इस तरह से, ठीक है। मैंने बंद कर लिया। अब इस पे सामने की तरफ यहाँ पे लगा लें एक दफ़े और ऐसे ही करके आपको बैक में मारनी है। ये डार्ट वगैरह हैं इन पे अच्छे से मार लें, या फिर दोबारा से भी आप पानी का छिड़का लगा सकते हैं ऊपर की तरफ तो ठीक रहेगा। इस तरह से ये तो हो गया अपना एक चीज। अब इसमें जो फाइनल लुक देना है सामने की तरफ, यहाँ से इसको पकड़ना है पॉइंट को और इस तरह से यहाँ से पकड़ के यहाँ से लेना है इस तरह से, तो जो डार्ट वगैरह हैं बिल्कुल बराबर आ जाएंगी अलग अलग साइज में, और ये अलग हो गया और ये यहाँ से लेना है। ये दबाव बैक की तरफ रखें। अब जो मेन देखने वाली बात है जो सेंटर इसका, यहाँ से इस तरह से ये मार्जिन बैक साइड में करना है, ये क्रीज भी बन जाएगी और इस साइड को पकड़ेंगे अब यहाँ पर और ये साइड पे यहाँ पे निकाल देंगे ऐसे ही करके। जो ये वाला है दूसरा पॉइंट का निशान, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और इस तरह से पकड़ के इस तरह से कर लेंगे इसको, और यहाँ पर भी प्रेस घुमा देंगे। प्रेस आयरन करने के भी दो तीन तरीके होते हैं। एक घुटने पे जो गद्दी होती है छोटी सी उसको लगाकर भी प्रेस करते हैं, फिलहाल उसका मैं यहाँ पर तरीका नहीं बता रहा हूँ। ये सबसे इजी तरीका है, उससे भी ठीक है, आसानी से कर सकते हैं प्रेस। और इस तरह से इसकी कमर,
अब इसमें जो एक चीज़ और ध्यान देने वाली कि आपकी जो प्रेस है उड़ जाती है, तो इसके लिए क्या करना आपको, कभी क्या है कि ये पेपर का यूज़ करना है, पेपर यहाँ पे लेना आपको और इस पे जो है आपका गले पे अच्छे से बैठ जाए तो इस तरह से आपको लगाना है इस पे। और इसको जो है ये है, ये पेपर इसकी हीट को खींच लेगा और जो प्रेस जैसी है वैसे की वैसे ही बैठ जाएगी। तो ये इस तरह से इसको भी आजमाएं आप, इस तरह से ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से प्रेस बैठ जाती है और इसकी जो क्रीज है ये क्रीज भी ऑटोमेटिकली सही बैठ गई, पूरी एक एक चीज़ पे यहाँ पर प्रेस हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने घरेलू ब्लाउज जो पहन रहे हैं रेगुलर में उन पे कर सकते हैं, या स्टिच करते तो उन पे भी कर सकते हैं। तो यही एक बेस्ट तरीका था जो मुझे शेयर करना था। और साथ में ध्यान रखें कि आपका जो वेलवेट का ब्लाउज है उसके ऊपर आप प्रेस कर रहे हैं तो या तो कपड़े जो पेपर है उसका यूज़ कर लीजिए, या सिंगल कपड़ा है उसको रख के फिर ऊपर से प्रेस घुमा के कर सकते हैं, या वर्क वाला जो भी ब्लाउज आए उस पर भी आप पेपर लेके उसके ऊपर प्रेस लगा कर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इन्हीं के माध्यम से आप प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।